नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज बाजार जैसा डोसा मिक्स बनाना बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 कटोरी चावल का आटा, 1/4 कप सूजी, 1 टेबल स्पून दाना मेथी, 1/4 कप पोहा, 2 टेबल स्पून चने की दाल, 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब सबसे पहले चारों को रोस्ट कर लेंगे। सभी चीज डाल देंगे इसमें, चने की दाल, दाना मेथी और पोहा, और इन्हें सेक लेंगे हल्का, ज्यादा नहीं सेकना। सेकना इसलिए क्योंकि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। हमें इसे तब तक सेकना है जब तक इसमें से खुशबू नहीं आई। तब इसमें से खुशबू आने लग गई है तब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चावल का आटा और सूजी भी भून लेते हैं। चावल का आटा और सूजी बस इसे भी हल्का सा ही रोस्ट करना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो चावल को लीजिए और इसे पोंछ ले और फिर इसे मिक्सी में पीस ले तो चावल का आटा तैयार हो जाएगा। ये रोस्ट हो गया है, अब गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने देंगे। ये ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया है, ये इस तरह से बारीक पीसना है। अब इसे सूजी में और चावल के आटे में डाल देंगे। नमक, पिसी हुई चीनी और बेकिंग सोडा, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा इंस्टेंट डोसा पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इस डोसा मिक्स से मैं आपको एक डोसा बना के बताऊंगी। तो इसमें से मैं 5 चम्मच ले लूंगी, 5 चम्मच 1/4 कप होता है। दो टेबल स्पून दही लेंगे, ये खट्टा दही है, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लेंगे। इसका बैटर हमें इस तरह से रखना है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ये भीग गए, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसका हम डोसा बनाएंगे। तवा बिल्कुल अच्छा गरम होना चाहिए। ये तवा गरम हो गया है, उसे 2 चम्मच डाल दी और इसे फैला देंगे। देखिए कितना अच्छा फैल रहा है। अब इसे सिकने देंगे। अभी नीचे से सिक गया, इसे हम पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा डोसा बना है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए डोसा बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा डोसा बनके तैयार हुआ है। अब इस डोसा मिक्स से डोसा बना के खाइए। ये हमने रोस्ट किया है तो ये खराब नहीं होगा। तो आप भी इस मिक्सचर को बनाइए और जब इच्छा हो जब डोसा बना के खाइए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।